महापौर अयोध्या श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, डॉक्टर योग पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव परिवहन श्री एल वेंकटेश्वर लू जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परिवहन विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित नागरिक बंधुओं, शारदीय नवरात्रि की आज अष्टमी तिथि है। जगत जननी मां भगवती के आठवें रूप के रूप में आज हम महागौरी की पूजा और अनुष्ठान कर रहे हैं और इससे अच्छा उपयुक्त अवसर दूसरा नहीं हो सकता है कि जब महाअष्टमी की स्थिति को मिशन शक्ति के साथ जोड़ करके मिशन महिला सारथी को लॉन्च करने के साथ साथ उन महिला चालक और परिचालक को, जिन्हें अब तक ये माना जाता था कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं, वास्तव में दया शंकर सिंह जी और उनकी पूरी टीम ने ये करके दिखाया कि 51 जो बसेज आज यहाँ पे प्रदेश के अलग अलग जगहों के लिए चलेंगी, उनके चालक भी परिचालक भी महिला होंगी। मैं इसके लिए उनको और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं और इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनका स्वावलंबन ये सदैव से एक चुनौती का विषय रहा है और इसीलिए भारतीय समाज ने सदैव से इस मान्यता को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाया है कि जहां नारी का सम्मान होगा, उनकी गरिमा की रक्षा होगी, वह स्वावलंबी होगी, वह समाज सशक्त होगा, आत्मनिर्भर होगा और सर्वांगीण विकास की बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देगा। यह कार्य नारी गरिमा की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा है जिसे आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण के रूप में शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि से प्रारंभ करके आज उसे निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल और उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न नौकरियों में हम लोगों ने 1.5 लाख से अधिक बेटियों को, बहनों को अब तक सेवाएं दी हैं, लेकिन परिवहन निगम की बसें में चालक और परिचालक दोनों महिलाएं हो, यह भी अब साकार हो चुका है। और क्यों नहीं, अब तो बेटियां फाइटर पायलट भी बन चुकी है। तो दयाशंकर ने भी उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं दयाशंकर जी उनको और उनके परिवहन निगम के प्रमुख सचिव हैं, MD हैं और उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, हृदय से प्रदेश वासियों की ओर से धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम प्रदेश के अंदर परिवहन की रीढ़ माना जाता है। आप याद करिए, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है, लेकिन परिवहन निगम की पहली बस मई 1947 में चल चुकी थी और तब से एक लंबी दूरी को परिवहन निगम ने तय किया। बचपन में परिवहन का एकमात्र साधन हुआ करता था उत्तर प्रदेश परिवहन निगम,
गांव हो या शहर, परिवहन निगम की ही बस से लोग चलते थे। हम और आप में से ज्यादातर लोगों ने अपना बचपन परिवहन निगम की बसों से ही आवागमन करके व्यतीत किया। वह हम सबको जोड़ने का एक काम करती रही। और आज जब हम परिवहन निगम की बात करते हैं तो परिवहन निगम अब उसमें एक नई प्रगति करते हुए, अनेक कार्य करते हुए, अभी उन्होंने जो बताया कि अब बस स्टेशन भी एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे, इस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। और साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को भी अपनाने का कार्य हो रहा है। पहले बसेज में बहुत सारी खामियां हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उसकी स्ट्रेंथनिंग की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, अब वह डीजल से इलेक्ट्रिक बसेज की तरफ भी जा रही है। और बहुत शीघ्र आप देखेंगे बहुत बड़ा बेड़ा परिवहन निगम के पास भी और अनुबंधित बसेज के रूप में भी परिवहन निगम जिनका संचालन करता हुआ दिखाई देगा, वह इलेक्ट्रिक बसेज के रूप में होगा, यानी जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होना है, बहुत अच्छे ढंग से आवाज भी नहीं होती है और स्पीड उसकी सामान्य बस से भी अच्छी हो सकती है। टेक्नोलॉजी और तकनीक, यानी तकनीक का उपयोग करके हम जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। परिवहन निगम की इस कार्य कुशलता को हम लोगों ने प्रयागराज कुंभ में भी देखा। 24 करोड़ श्रद्धालुओं को वहां लाने, संगम में स्नान करने, प्रयागराज के अलग अलग स्थानों में जाने का जो अवसर प्राप्त हुआ था, यह भी वहां देखने को मिला। और साथ साथ एक और चीज जो हम लोगों ने देखा वह ये कि जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी कोरोना आई थी, उस दौरान जब उत्तर प्रदेश के 40 लाख लोग और अलग अलग राज्यों से भी जुड़े हुए लोग जब अन्य राज्यों से विस्थापित हुए थे, वे लोग अपने अपने घरों के लिए पैदल चले थे, कोई साधन नहीं था, तब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए आया था और 11-12 हजार बसों के बेड़े को लेकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चालक, परिचालक, ये सभी लोग बॉर्डर पे डट गए थे। और सभी लोगों को, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को, तो हम लोगों ने उसके घर तक पहुंचाने का काम परिवहन निगम के माध्यम से किया और अन्य राज्यों के लोगों को भी उत्तर प्रदेश की सीमा तक पहुंचाने का काम उन लोगों के लिए किया गया। कोटा राजस्थान में फंसे हुए वे 14 हजार बच्चे उत्तर प्रदेश के और 4 हजार बच्चे उत्तराखंड के, जो वहां कोचिंग कर रहे थे, लॉकडाउन के बाद वहां स्थिति खराब हो गई। हमने यहां से 500 बसेज परिवहन निगम की भेज करके उन्हें सुरक्षित वहां से लाने का काम किया। और आज परिणाम क्या है कि वे सभी उत्तर प्रदेश में आज अभ्युदय कोचिंग के साथ ज्यादातर लोग जुड़ करके बेहतरीन भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, संकट के समय जो खड़ा हो वही आपका साथी है, जो संकट में धोखा दे वो साथी नहीं हो सकता है। और परिवहन निगम आपका संकट का साथी है और आज संकट के साथी में सारथी के रूप में भी मिशन शक्ति के प्रतीक बेटियां स्वयं इन गाड़ियों को चलाती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अब दयाशंकर जी ने धारणा बदल दी उनके बारे में, जो लोग सोचते थे, अब तो ये माना जाएगा कि उनके द्वारा भी महिलाओं के हित के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है कि एक साथ चालक परिचालक भी उन्होंने भर दिए हैं पूरा, और 51 बसें आज उसी रिश्ते लागू की जा रही है। हमने शासन से उनको 400 करोड़ रुपए दिया है इस कार्य के लिए कि वे अच्छी बसें खरीदे, और अभी काफी ज्यादा बसें जिनके द्वारा खरीदी जानी है, ये बस 25 के कुंभ की दिश से अभी से ये बसें खरीदी जाएंगी, अच्छी बसें जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसें भी आएंगी। और मैं तो कहूंगा कि परिवहन के क्षेत्र में जो लोग चाहते हैं कि अच्छी कनेक्टिविटी हो, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी बनाई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आए हैं,
बस जितनी आई हैं इनमें डीजल नहीं लगता, पेट्रोल भी नहीं लगता, सीएनजी भी नहीं लगता, बिजली से चार्ज होंगी और एक बार में 300 किलोमीटर भी आसानी से चल सकती है। एक बस के लिए सरकार, जो भी व्यक्ति इस बस को खरीदेगा उसको 20 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाएगा, सरकार अपनी तरफ से उसको इंसेंटिव देगा। आप बस खरीदिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, परिवहन निगम में अनुबंधित करने के लिए या सिटी बस सेवा के लिए, और सरकार रूट भी उपलब्ध करवाएगी, सरकार आपको सुविधा भी उपलब्ध करवाएगी, एक बार में पैसा देगी और ज्यादा लोग अगर इस मामले में आते हैं तो रूट भी उनको उपलब्ध होंगे, वे पैसा भी कमाए, चार्जिंग स्टेशन इसके लिए परिवहन निगम और नगर विकास जगह जगह स्थापित करते हुए लोगों को करते हैं, तो हम एक स्वस्थ व्यवस्था, प्रदूषण से मुक्त व्यवस्था आम नागरिक को दे पाएंगे, जो दुनिया की चिंता उस चिंता से मुक्त कर पाएंगे। कुछ ही दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसेज के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा और तब उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से मिशन सारथी के इस कार्यक्रम को लागू होने के लिए, जिसमें मिशन महिला सारथी और 51 जो साधारण BS4 बसेज हैं इनकी आज शुभारंभ होने के अवसर पर परिवहन निगम को अपनी बधाई देता हूं। आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी सकारात्मक उद्बोधन से आप सभी को अनुरोध करे थे परम आदरणीय सदस्य श्री माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा 11 साधारण कि अपने चार दिवाली से निकल कर गृहस्थी को सजाते हुए संवारते हुए वही कर कमल जो भी अपने हाथों के माध्यम से बसों के उस स्टेरिंग को संभालती हुई हमारी ये महिलाएं बस जोरदार तालियां, वाकई में बहुत ही गर्व की बात हमारे उत्तर प्रदेश के लिए और जिस अच्छे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है महिलाओं के लिए एक नई सोच रखते हुए कि महिलाएं भी आगे आए और कुछ करके दिखाएं। हमारे चालक परिचालक के रूप में हमारी दोनों महिलाएं यहाँ और ये आती हुई बसें जो कि महिलाओं के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में प्रतिपादित होंगी। और महिलाएं अपने को सुरक्षित रखेंगी हमारे इस बसों के माध्यम से। उत्तर प्रदेश परिवहन ये एक नई पहल घर के उस रूप को संभालते हुए, बसों के शेयरिंग को संभालते हुए, समाज को नई दिशा में आगे बढ़ाते हुए हमारी ये महिलाएं तालियों के साथ स्वागत करते हुए हौसला अफजाई बहुत जरूरी। हमारी सभी सम्मान चालक और परिचालक महिलाओं के लिए गर्व की बात हमारे उत्तर प्रदेश में एक नई पहल, नई सोच, नया सोपान हमारे इस शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गे के रूप में हमारी महिलाओं को नया मंच देने के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच को और आपका ये प्यार भरा साथ हमारी महिलाओं को सदा इसी तरह से प्यार होता रहेगा, समाज में आगे बढ़ेगा। बहुत सारी बधाइयां हमारे उत्तर प्रदेश परिवहन को, आपका अपना साथी उत्तर प्रदेश परिवहन। ये 51 साधारण बसें जो कि अयोध्या धाम से
पहाड़ों भरा सौगात महागौरी माँ अश्विनी के पावन दिवस पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत।